आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग प्रभु की उपस्थिति में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये समय रहेगा, हम थोड़ी देर प्रभु के जीवित कलाम से कुछ बातों को सीखेंगे जानेंगे। आइए हम उस वचन को निकाल लेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 1-4 तक आप में से कोई भी एक जन पढ़ दीजिए। और यहाँ पर लोगों, याकूब के वंश का वृत्तांत है, और याकूब के 12 पुत्र हुए, उन 12 पुत्रों में से एक पुत्र है यूसुफ। यूसुफ और मेरे लोगों, बाइबल हमें बताती है यूसुफ याकूब का प्रिय पुत्र था, जो उसके बुढ़ापे की संतान थी। आज हम यूसुफ के जीवन से बहुत सारी चीजों को देखेंगे। यूसुफ के जीवन में इतनी सारी चीजें घटित हुई। सबसे पहली चीज, परिवार ने नकार दिया, अपनों ने उसे धोखा दिया। दूसरी चीज, जिस घर में गया वहां पे भी उसे धोखा मिला, वहां पे उसे गलत इंजाम लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। वो इन सारी चीजों से जूझ रहा था, और बाइबल बताती है इस व्यक्ति ने एक बार भी परमेश्वर के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया कि परमेश्वर मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं तो कुछ गलती भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे क्यों सता रहे। इस व्यक्ति के विषय में एक बार भी नहीं लिखा हुआ कि इस व्यक्ति ने क्या करा हो, परमेश्वर से सवाल पूछा हो कि मैं निर्दोष हूं, मेरे साथ ये सारी घटनाएं क्यों घट रही है, मेरे भाई मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं, मैं बंदी गृह में क्यों हूं, मैं उस घर से मेरे ऊपर एक गंदा इंजाम लगा के मुझे क्यों निकाला गया। इस बंदे ने एक बार ही प्रभु से सवाल जवाब नहीं किया। बाइबल बताती है पूरी रीति से निर्दोष रहा अपनी जवान में, पूरी रीति से, और परमेश्वर इसके संग था। और बाइबल बताती है जो कुछ ये करता था परमेश्वर उसे सफल करता था। यूसुफ परमेश्वर की योजना में था, और परमेश्वर ने उस योजना को इसके जीवन में पूरा किया। आज मेरे लोगों, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से भी होती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, योजनाएं पूरी हो उससे पहले हमें तराइयों में से होकर हम सभी लोग गुजरेंगे। बाइबल बताते हैं लोगों कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने सीधा उसे पद पे नहीं पहुंचाया, उससे पहले वो तराइयों में था, उससे पहले वो घाटियों में था, समस्याओं में था। आप एक पद पे पहुंचो, एक उस चीज पे पहुंचो, उस लेवल पे पहुंचो, उससे पहले हमारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जो समस्याओं को होगा, जहां हमें अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। हम स्थिर नहीं रह पाते, हम लोग सवाल जवाब बहुत पूछते हैं प्रभु से, बहुत पूछते हैं। यदि आज भी कुछ भी हमारे घर में तकलीफ हो रही होगी, सबसे पहला सवाल यही होगा, प्रभु तूने मेरे साथ क्यों किया ऐसा। हम बहुत सवाल जवाब पूछते हैं, अपने जीवन में उन चीजों को लेके बैठ जाते जो हमारे पास नहीं है, पर उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं करते जो प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रभु ने हमें दिया है। आज भी हम में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर हम लोग प्रभु के पास जाते और शिकायत करते कि प्रभु हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पड़ोसी के साथ पास वो भी है पर हमारे पास नहीं है। पर हम उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं करते जो प्रभु ने हमें दे दिया है, और उन चीजों के लिए हम शिकायत करते जो हमारे पास नहीं है। बाइबल में लोगों, यूसुफ पूरी रीति से खरा रहा इन सारी चीजों में, परमेश्वर पर उसने कभी सवाल नहीं पूछा, इन सारी चीजों को होते हुए देख रहा था, कभी सवाल नहीं पूछा। परमेश्वर ने आपको भी, आपके जीवन से भी योजना है प्रभु की, और हमारे जीवन से भी योजना है, पर हम क्या करते हैं, जब तकलीफ आती है खुदा के पास जाते हैं, और हम अपने उस दर्शन से, विजन से भटक जाते हैं, और हम परमेश्वर से ही सवाल पूछते हैं कि पिता हम कब इन सारी चीजों से निकलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी तराइया ऐसी नहीं बनी जो आपको नाश कर सके, आपको तराइयों में प्रभु यीशु मसीह इसलिए लेके जाता है कि आप लोग विश्वास में और मजबूत हो सके, आप लोग विश्वास में और मजबूत हो चुके हैं। एक व्यक्ति की मैं आपके सामने गवाही शेयर करूंगा, इस व्यक्ति का नाम है निक बुइचिज। ये व्यक्ति मसीह परिवार में जन्मा, अन्य जाति में नहीं। जो इसके माता पिता थे वो यीशु मसीह को मानने वाले थे, समर्पित मसीह थे। ये समर्पित मसीह परिवार में इसका जन्म हुआ, और जब इसका जन्म हुआ तो डॉक्टरों ने जब इसके माँ के सामने इसे लाया गया तो माँ ने देखने से इसे इनकार कर दिया, क्योंकि ये बहुत डरावना था, किसी बच्चे के हाथ पैर ना हो,
सिर्फ उसका धड़ धड़ है, सिर्फ उसका धड़ धड़ है। आपको पता है जो पहला शब्द इसकी माँ और इसके पिता के सब मुंह से निकला वो था परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आप इस व्यक्ति की गवाही को जब आगे देखोगे, ये व्यक्ति बहुत सारी चीजों को करने में असमर्था, जिसके हाथ पैर नहीं है वो हमेशा किसी की मदद चाहेगा, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसे यहां से वहां जाना है तो उसकी सहायता चाहिए, क्योंकि उसके पास पैर नहीं है। यदि कुछ भी खाना है उसे किसी की सहायता चाहिए, क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है। ये व्यक्ति बताता, जब मैं 12 साल का हो गया, 10-12 साल का हो गया, तब मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा होता था, क्योंकि मैं 12 साल का होने के बाद भी मेरे माता पिता मुझे वॉशरूम लेके जाते थे, वो मेरे कपड़े बदलते थे, वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों को रखते थे, और मैं इन सारी चीज़ों को देखकर अपने अंदर बहुत शर्मिंदा महसूस होता था, और मैं मजबूर था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं लोगों को देखता था कि लोग बहुत खुश है, बहुत आनंदित है, लोग सारे कामों को कर पा रहे, पर मैं उनमें से कुछ काम, कोई कामों को नहीं कर पाता था। आज हम सवेरे उठते हैं, हम सब लोग ब्रश कर पाते हैं, पर ये व्यक्ति वो भी नहीं कर पाता था, क्योंकि इसके पास हाथ नहीं है कि ये ब्रश कर सके। उसके लिए भी इसके माता पिता इसके साथ थे, और जब ये 12 साल का हुआ तो इसने अपने आप को खत्म करने के लिए सोच लिया, क्योंकि इसे विचार आया कि अभी मेरे माता पिता है जो मुझे संभाल रहे, पर जब मेरे माता पिता इस संसार से चले जाएंगे उसके बाद कोई नहीं होगा जो मुझे संभालेगा, कोई नहीं होगा जो मेरा ध्यान रखेगा, कोई नहीं होगा जब मेरे चीज़ों का मेरे साथ मेरी मदद करेगा, कोई नहीं होगा। तो इसने 10-12 साल की उम्र में अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोचा। आपको लग रहा होगा मसीह परिवार में जन्मा हुए व्यक्ति है ये, मसीह परिवार में। जब ये 12 साल का, इसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करी, पर परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने इसे बचा लिया, उस समय बचा लिया, परमेश्वर ने इसे बचा लिया। जब मेरे प्रिय लोग आप आगे इसके जीवन को आप देखोगे तो आज ये व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए जीवन जीने का एक उदाहरण बन चुका है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को लेकर कभी खुश नहीं रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, किसी का रंग काला है तो उसी चीज को लेकर परेशान है। पर आज ये व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए जीवन जीने का एक उदाहरण बन गया है कि इस परिस्थिति में जन्म लेने के बाद भी आज ये अमेरिका के अंदर एक मोटिवेशन स्पीकर और एक बहुत बड़ी कलीसिया का एक पासवान है। हालेलुया। इस कंडीशन में होने के बाद भी, इस परिस्थितियों से निकलने के बाद भी आज ये बहुत सारे लोगों के जीवन को सुधार रहा है, बहुत सारे लोगों को जीवन जीना सिखा रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, जो निराशा में है, जो परेशानियों में, उन्हें वो उत्साहित कर रहा है, आज उत्साहित कर रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला व्यक्ति जो एक मसीह परिवार में जन्म हुआ और जिसके हाथ पैर नहीं है, जिसने अपने आप को बचपन में ही खत्म करने के लिए विचार किया, आज वो बहुत सारे लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका सिखा रहा है, आज वो परमेश्वर के वचन को बांट रहा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खुदा के पास जाते हैं और शिकायतें बहुत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। आपको पता है आज किसी के पास एक उंगली भी कम होना तो वो इन 9 उंगलियों के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं करेगा, पर उस एक उंगली के लिए बार बार प्रभु से कहेगा क्यों मुझे एक उंगली कम दी। आज यही हमारी कंडीशन है, कई बार हम जो हमारे पास है उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं करेंगे, पर जो नहीं है उसके लिए सदा खुदा के पास जाएंगे और उसके शिकायत करना हम पसंद करेंगे। आज मेरे पर लोगों, आप देखिए आपके नखून टूट जाए तो आप कितने दुखी हो जाते हो, आपका चेहरा थोड़ा सा धूप में निकले और काला हो गया आप कितने परेशान हो जाते हो, ये व्यक्ति आज इस दशा में अपने जीवन को जी रहा है और खुशहाल जी रहा है, ऐसे नहीं रोता हुआ जी रहा हो। इस व्यक्ति की गवाही है, आज इसके करीबन 5-6 बच्चे हैं, ये शादी हो चुकी है इसकी, 41 साल की इसकी उम्र है अभी, और खूबसूरत परिवार है इसका भी,
खूबसूरत परिवार है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना हर एक को के लिए है, हर एक के लिए है। परमेश्वर आप सभी से मोहब्बत करता है। इस मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं आज, वो है कि आप लोगों उन चीजों को और मत देखिए जो आपके जीवन में नहीं है, पर उन चीजों की ओर देखिए जो आपके पास है, जो खुदा ने आपको दी है। उन सारी चीजों के लिए हमेशा धन्यवाद ही बने रहिए। आपको पता है आपकी हाइट अच्छी है, 5 फुट 6 फुट आपकी हाइट है। बहुत सारे लोग जो 3 या 4 फुट की हाइट में ही अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे आप देखोगे देश के देश है, आप अफ्रीका की साइड जाओगे उनका चेहरा पूरा ब्लैक है, पर आप लोग आज भी इस स्किन को लेकर प्रभु शिकायत करते, काश में थोड़ा गोरा होता और थोड़ा और अच्छा होता, शायद ये बाल मेरे ऐसे होते या ऐसे होते। आज हम छोटी-छोटी बातों को लेकर शिकायत करने लग जाते हैं। पता है कई सारे लोगों के पास बाल ही नहीं होते, बचपन से ही उड़ जाते हैं, पर हमारे पास होते फिर भी हम लोग कहते हैं अरे कम है थोड़े। आपको पता है बाइबल में एक चीज के विषय में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जन्म संदाता था। आप जन्म से बेहतरीन परमेश्वर ने आपको रचा है, आपके सब संपूर्ण करके आपको भेजा है, फिर भी हम लोग आज प्रभु का उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं करें। प्रभु वो व्यक्ति जन्म संदाता, पर आपने मुझे जन्म से ही आंखें दी है, आपने मुझे जन्म से आंखें दी है। आज इस संसार में बहुत सारे लोग है जो अपने माता पिता को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें बचपन में उन्हें अनाथ आश्रम में और सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। वो अपने परिवार के बिना अपना जीवन जीते हैं, उन्होंने कभी नहीं देखा हमारे माता पिता कौन है, हमारा परिवार कौन है, वो जानते ही नहीं क्योंकि उनका परिचय ही नहीं हो इन सारी चीजों से। पर आप कभी धन्यवाद नहीं करते, हम उनमें से नहीं है, हमारे पास परिवार भी और घर भी है, हमारे पास सब लोग है जो हमारा ध्यान रख रहे हैं। पर यदि एक भी चीज खराब हो हमारे जीवन में तो हम उस परमेश्वर के विरोध में जाकर बातें करते हैं, उस परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, उस परमेश्वर सवाल पूछते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को ऐसा जी रहे हैं, अपने जीवन को ऐसा जी रहे हैं। कई सारे लोगों पर जब मैं अपनी कलीसिया में देखता हूँ और बाहर देखता हूँ आज संसार में लोगों को जिनके पास में लोगों लड़के नहीं है, वो लोग थोड़े परेशान से रहते हैं। परमेश्वर उन्हें बेटियां दी है, परमेश्वर के ये भी गिफ्ट है। आप लोग उनको देखे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना बेटी ना बेटा है, वो भी अपना जीवन जी रहे हैं। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं इन सारी बातों को लेकर कि आप लोग मेरे लोगों धन्यवादित बने रहे जो परमेश्वर ने किया है, और हर एक जो चीज है जो आपके जीवन में घट रही है चल रही है सब कुछ परमेश्वर की योजना में है, सब कुछ परमेश्वर की योजना में। पर हम लोग मेरे लोग उस योजना को पूरा होते हुए नहीं देख पाते। कई सारे लोगों के जीवन में प्रभु की योजना इस कारण से पूरी नहीं होती क्योंकि वो परमेश्वर को काम करने का अवसर ही नहीं देते। हम में से यदि कोई भी यूसुफ के जगह होता तो जिस दिन हम लोग गड्ढे में डाले गए थे उसी दिन परमेश्वर से गड्ढे में ही पुकारते। दर्शन इसलिए दिखाया था कि मारने के लिए, हम उसी दिन परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं उसी दिन। पर ये व्यक्ति देखिए इतनी सारी तराइयों में होके गया, इतनी सारी घटनाओं में घट होके गया, फिर भी इसका विश्वास परमेश्वर के प्रति 1% नहीं डिगा, 1% भी नहीं डिगा, और पूरी रीति से निर्दोष रहा, पूरी रीति से निर्दोष रहा। हम में से बहुत सारे लोग हैं कई बार जब समस्या आती है सबसे पहले हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम धन्यवाद कम और शिकायतें ज्यादा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मसीह को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो लोग जब परेशानियों में आए तो उन्होंने मसीह से ये आशा ही नहीं करी थी कि मसीह में आकर परेशानी में आएगी, वो मसीह को इसलिए छोड़ गए। और परमेश्वर की योजना थी बहुत सारी। एक भाई हमारे चर्च में आता था, बहुत साल की पहले की बात है ये, करीबन 2018 की बात है, ये 2018 की बात है। परमेश्वर में बढ़ रहा था, वचन में बढ़ रहा था, लीडरशिप में बढ़ रहा था, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहा था, हर एक चीज में बढ़ रहा था, लोगों को वचन सिखा रहा था, लोगों को इस वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा था। चर्च के अंदर मीटिंग चल रही थी उस दिन, यूथ कैंप चल रहा था चर्च के अंदर, जवानों की सभा चल रही थी, उत्साहित था, आनंदित था,
उसी दिन उसके घर में एक घटना घटी। उस घटना के बाद से वो उस दिन से ही उसने अपने इस चर्च में आना बंद कर दिया, चर्च में आना बंद कर दिया। प्रभु की योजना थी कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए तुझे इस्तेमाल करूंगा। वो व्यक्ति बढ़ रहा था, वो भाई बढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन को सिखा रहा था लोगों को, लीडरशिप में ग्रो हो रहा था। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति वचन सिखाए, कोई भी व्यक्ति वचन पे चले। शैतान नहीं चाहता कि किसी के जीवन में परमेश्वर की योजना सफल हो। शैतान की इच्छा नहीं है कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना सफल हो। इसलिए शैतान, जब हम बढ़ने लगते हैं तो शैतान हमें गिराने के लिए कई बार क्या करता है, कुछ ऐसी चीजों को हमारे सामने ले आता है कि हम विश्वास में उस समय डगमगा जाते हैं। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा ये, जब मैं अधिक प्रार्थना करने लगी, जब मैं थोड़ा पवित्र जीवन जीने लगी, जब मैं दीन बनने का प्रयास कर रही थी उसी समय कोई मुझे गुस्सा दिलाता है। जब मैं पवित्र जीवन जीना चाहती हूँ तभी शैतान मुझे पाप में लेके जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप पवित्र जीवन जियो, शैतान नहीं चाहता आप दीन बनो। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप उस योजना के अनुसार परमेश्वर को काम करने दें। कई बार हम लोग में लोगों अपना दिमाग लगाते हैं और परमेश्वर की योजना से पूरी रीति से बाहर आ जाते हैं, पूरी रीति से बाहर आ जाते हैं। मैं भी पिछले दिनों परमेश्वर से के पास गया, परमेश्वर से कुछ बातों को लेकर बातें कर रहा था कि प्रभु आप कैसे काम करना चाहते हो मुझे बताइए। मैंने प्रभु से साहब कहा, प्रभु आप मुझे जब तक बताओगे नहीं स्पष्ट रूप से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं अपने दिमाग की कल्पनाओं के द्वारा आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं चाहता हूं जैसे आप अपना अब्राहम से बातें करी, यूसुफ से बातें करी, मूसा से बातें करी, आप मुझसे बातें करें, मैं तब आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं यहीं ठहर जाऊंगा, मैं यहीं ठहर जाऊंगा। यदि तेरी योजना है तो मुझे बताए। परमेश्वर ने कहा जब तू यहां तक आया तो कुछ योजना है ही, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है, इसलिए मैंने तुझे यहां पर बुलाया है। योजना ना होती तो यहां आता ही नहीं, तो यहां होता ही नहीं, तू भी उसी भीड़ में होता, तू भी वहीं बैठा होता और तू भी संसार में अपने कामों कर रहा होता। योजना है इसलिए तो तू यहां है, और फिर भी तू आज मुझसे योजनाओं को पूछ रहा है। कई बार हम भी परमेश्वर से पूछने लगते, जब कुछ सही नहीं हो रहा होता हम कहते प्रभु आपने मुझे बुलाया किस लिए। हम उसकी योजनाओं पे केवल शक करने लगते हैं। शक मत कीजिए कभी भी, उसने बुलाया है, कुछ तराइया, कुछ बातें ऐसी है जो होनी जरूरी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हो हमारे जीवन में होने जरूरी है कि हम उन लोगों के द्वारा ही क्या करेंगे, उस मंजिल तक पहुंचेंगे। यदि यूसुफ के भाई उसे गड्ढे में ना गिराते और उसे बेचते ना तो वो प्रधानमंत्री बनता, वो वहीं रहता और अपने भाइयों के साथ वो भी भेड़ बकरी चराता। पर योजना थी, कुछ लोग परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे दिए जो उस योजना तक हमें पहुंचाने के लिए मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे। और आपको लगता है यही मेरे दुश्मन है, पर हर एक चीज आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी यदि आप परमेश्वर की योजना में हो, आप परमेश्वर की योजना में हो। इसलिए कुछ लोगों को परमेश्वर ने आपके जीवन में इसलिए रखा है कि आप उसी मंजिल तक, उस मकसद तक आप लोग पहुंच सके। यदि वो लोग हट जाएंगे तो आप वहीं ठहर जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताकर समाप्त करूंगा कि खुदा से सवाल पूछे, उससे अच्छा है कि आप खुदा के पास जाइए और उसका धन्यवाद कीजिए। जो योजना उसने बनाई है उस योजना को प्रकट होने का, उसे काम करने का पूरा अवसर दीजिए कि परमेश्वर का काम आपके जीवन में पूरा हो सके। हमने एक व्यक्ति की गवाही को देखा, निक्की, जो व्यक्ति अपने आप को बचपन में ही अपने आप को खत्म कर रहा था, आज वो व्यक्ति हजारों लोगों के जीवन को बचा रहा है मृत्यु से जाने में। यदि प्रभु की योजना ना होती तो व्यक्ति उसी समय मर जाता, प्रभु की योजना थी उसके जन्म से ही। और परमेश्वर ने हरेक को यूनिक बनाया, परमेश्वर ने हरेक को अद्भुत बनाया, वो व्यक्ति यूनिक है। आज संसार के लिए लोगों एक मोटिवेशन बन चुका है वो व्यक्ति। आप जैसे भी हो परमेश्वर में आप परफेक्ट हो, आप आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मैं आपको चाहता हूं
आप लोग प्रभु की योजनाओं को काम करने दे, अपने गलत डिसीजन के वजह से, गलत निर्णयों के वजह से उस योजना से भटक ना जाए। हमारे एक गलत निर्णय हमें उस योजना से बाहर ला सकता है। आपको पता है यूसुफ राजा के बंदी गृह में जाए, उससे पहले एक चीज आई थी उसके सामने, पाप करने का अवसर था कि पाप कर ले और योजना से शैतान कह रहा बाहर आ जा। पर उसने उस समय परमेश्वर की योजना को पहला स्थान दिया, पाप को हटाया। आपको पता है ये घटना क्यों हो रही थी? इसलिए हो रही थी कि वो जेल में जाए, जेल में जाएगा तो राजा के सामने जाएगा और राजा के सामने जाएगा तो वो उस पद पे पहुंचेगा। हालेलुया। तो हर एक के जीवन में प्रभु की योजना है, बस केवल हम उन योजनाओं को काम करते हुए देखना और उन योजनाओं को पर परमेश्वर को अवसर देना बहुत जरूरी है, अवसर देना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी किसी बात को लेकर शिकायत ना करें, जो कुछ गलत हुआ है उस चीज को लेकर कभी ना बोले कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। परमेश्वर उन गलत चीजों में से आपके लिए भलाई ढूंढेगा। यदि आप मसीह में बढ़ रहे हो और आशीषित हो, आपके लिए प्रभु हमेशा भलाई ढूंढेगा। कभी दूसरे को देखकर अपने आप को नीचा ना देखा, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा शरीर ऐसा नहीं है, मेरे चेहरा ऐसा नहीं है, मेरे बाल ऐसे नहीं है, मेरे दांत ऐसे नहीं है, किसी को देखकर अपने आप को, आप कहिए मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूँ। जैसा परमेश्वर है उसने मुझे अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर खूबसूरत है, मैं भी ब्यूटीफुल हूँ। एक प्रभु का दास हमें ऐसा बताता है कि मैं रोज शीशे के सामने जाता हूँ और खुद की तारीफ करता हूँ। लोग कहते हैं मोटा है, लोग कहते हैं काला है, पर मैं अब शीशे के सामने जाकर खुद की तारीफ करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे कितना सुंदर बनाया, खूबसूरत बनाया। आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो, इसलिए अपनी निंदा करना बंद कीजिए और परमेश्वर की उस बातों को जो आपके जीवन में घट रही है उन चीजों को लेकर धन्यवाद करें। आप परमेश्वर की योजना में हो तो परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहता हूं एक मिनट आप लोग प्रार्थना करें। जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया है उन सारी चीजों को लेकर धन्यवाद करें। जो आपके पास है उस चीज को लेकर धन्यवाद करें। प्रभु की योजना के लिए धन्यवाद करें जो आपके जीवन में चल रही है। अभी आप परमेश्वर की योजना में हो और आप परमेश्वर की योजना से होके जा रहे हो। हर एक चीज जो प्राप्त होगी उससे पहले आपको तराइयों से होके जाना है, उससे पहले आपको घाटियों से होके जाना है, और एक समय आएगा जब आप उस मंजिल पे पहुंचोगे और परमेश्वर आपको वहां पर पहुंचाएगा उन्हीं लोगों के द्वारा जिनको आपको लग रहा होगा कि ये लोग हमारे जीवन के लिए रुकावट है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपने हमारे जीवन को लेकर बेहतर सोचा है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता आपने हमारे जीवन को लेकर अद्भुत सोचा है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, ना सिर्फ प्रभु हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता आप जैसे हो परमेश्वर प्रभु वैसे आपने हमें बनाया है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु अपनी समानता में हमें रचा है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी प्रभु, जैसे आपने यूसुफ के जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा किया, पिता अपने दास निक जुलेस के जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा किया प्रभु, वैसे ही प्रभु आप हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करें। खुदा पिता परमेश्वर उन समस्याओं को देखकर कभी प्रभु पीछे ना हटे, पर आपकी योजनाओं में हमेशा बने रहे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी प्रभु, आपकी योजनाओं में सदा सर्वदा प्रभु बने रहे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी प्रभु। सामर्थ्य प्रभु आगे के समय को तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब लाल समंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे, जब लाल समंदर सामने
मैंने तेरे शत्रु की सेना, तुझको घेरे घबराना नहीं प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं प्रभु साथ है तेरे, नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, रखा भरोसा जब यूसुफ ने पूरी हुई परसन की बातें, रखा भरोसा जब यूसुफ ने पूरी हुई परसन की बातें, बुराइयों ने घुटने टेके, बुराइयों ने घुटने टेके, भलाइयों ने गढ़ है जीते, भलाइयों ने गढ़ है जीते, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हमारे बीच में पास्टर